अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें रिविजन करना है. बी पार्ट से स्टार्ट करना है. कल हमने ए और बी बी हमने किया था कल, तो आज हम ए किया था. आज हम बी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो देखिए बी राइट एच फॉर हर्बीवोर्स, सी फॉर कार्निवोर्स, ओ फॉर ओमनिवोर्स. आप लोगों को जो यहाँ पे पिक्चर्स दिया है, आप लोगों को वो देखना है कि कौन जो है हर्बीवोर्स है उसको एच लिखना है, कौन कार्निवोर्स है उसको सी लिखना है, और कौन ओमनिवोर्स है उसको ओ लिखना है. देखिए यहाँ पे काउ है, ये जो होता है ये हर्बीवोर्स होता है, तो यहाँ पे एच लिखना है. बियर जो है वो ओमनिवोर्स है, ओ लिखना है. और क्रो, क्रो जो है वो ओमनिवोर्स है. स्नेक जो है कार्निवोर्स है. डॉग, डॉग कार्निवोर्स. स्क्वायरल ओमनिवोर्स. ठीक है, इनको अच्छे से रिविजन करना है. अब यहाँ देखिए मेज सी पार्ट. मेज द एनिमल्स विद द टाइप ऑफ टीथ दे हैव. आप लोगों को एनिमल्स के साथ मेज करना है जिनके मतलब टीथ मतलब टाइप्स ऑफ टीथ कैसा होता है उसी के हिसाब से इनको ज्वाइन करना है. देखिए फर्स्ट टाइगर, टाइगर का कैसा होता है, शॉर्प पॉइंटेड एंड करूट फ्रंट टीथ होता है. ठीक है, अब स्क्वायरल का कैसा होता है, वेरी शॉर्प फ्रंट टीथ, आगे वाले दांत बहुत तेज होता है. अब सी पर काउ बाइटिंग फ्रंट टीथ होता है. स्नेक का क्या होता है, नो बाइटिंग आर चीविंग टीथ, इसको ना चीविंग टीथ होता है ना बाइटिंग टीथ होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. इनको अच्छे से तैयारी करना है, रिवाइज करना, अच्छे से स्पेलिंग भी याद रखना इनका. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.